चाप मुझे उठो जैसा कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। मैं पूरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनते सुनते पथ भी कट जाएगा और पथ का कष्ट भी पता नहीं चलेगा। और कहानी के अंत में एक प्रश्न करूँगा। अगर आप प्रश्न के उत्तर जानते हुए आप चुपचाप रहे तो आपके सर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अगर आप सही उत्तर दिए तो सीधे वापिस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। अब मैं अपनी कहानी सुनता हूँ। सुनिए महाराज, बहुत सदियों पहले उत्तर हिमालय पर वास करती थी एक राक्षसनी जिसका नाम था प्रचुंडा। उसका एक लौता संतान था। जब दानव विवाह के लायक होगा उसकी माँ का ये इच्छा था कि वो अपने बेटे को एक राजकन्या से विवाह करवाएगी। राजकन्या से अगर विवाह करा पाऊँ मैं अपने पुत्र का तो हमारा उत्तराधिकारी हमारे जैसा भयंकर रूप लेके जन्म नहीं लेगा। हाँ, तब हमारा दानव रूप बदल जाएगा। महारानी आप ठीक बोल रही है। सच में सही बोल रही है। हाँ हाँ, सुनो सुनो महामंत्री, तुम जाके पता लगाओ कौन से राज्य में सबसे सुंदर कन्या है। मैं उस विश्व सुंदरी से अपने पुत्र का विवाह करवाऊंगी। जैसी आज्ञा महारानी, हम चारों तरफ खोज लगाएंगे। पश्चिम दिशा में एक छोटा सा राज्य था शेतपुर। वहाँ के राजा सितंकर की एक लौती कन्या रूपमती थी। सच में राजकुमारी, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई हो? तुम कुछ भी बोलो, सच में राजकुमारी जैसी सुंदर कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ हाँ, इसीलिए तो राजकुमारी का नाम है रूपमती। सच में नाम जैसा सीरत वैसा। ओहो, चुप हो जाओ तुम लोग, चलो घर चलते हैं, वरना माता श्री नाराज हो जाएंगी। हाँ हाँ, चलो चलो राजकुमारी, जल्दी चलो। चलो चलो राजकुमारी, चलो चलो जल्दी चलो चलो चलो। महाराज, हमारी कन्या रूपमती विवाह के योग्य हो गई है, अब उसके बारे में कुछ सोचिए आप महाराज। हाँ महारानी, मुझे पता है हमारी कन्या विवाह लायक हो गई है, अब हमें कुछ सोचना चाहिए। हाँ सुनो, इधर आओ। जी महाराज। अभी महामंत्री को ये समाचार भेजो, बोलो महाराज बुलाए हैं। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज, आइए आइए महामंत्री, एक विशेष काम के लिए आपको मैं बुलाया हूँ। बोलिए महाराज, क्या आदेश है? कोई आदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है महामंत्री। राजकन्या विवाह लायक हो गई है, उसके लिए रिश्ता ढूंढना था। हमें सिर्फ दामाद नहीं चाहिए बल्कि इस राज्य को संभालने वाला चाहिए, ताकि हम दोनों सारी चिंता से मुक्त हो जाए। मुझे लगता है महाराज, रिश्ते की खोज ना करके हमें राजकुमारी की स्वयंवर करवाना चाहिए।
और आप सभी देखकर सही वर ढूंढ सकते हैं। महाराज आप ठीक बोल रहे हैं महामंत्री। ठीक है, ऐसा ही होगा। कल ही आप सभी राज्य में समाचार भेज दीजिए, एक शुभ दिन तय कर दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नाग पंचमी के दिन स्वयंवर का व्यवस्था कीजिए। ठीक है, मैं कल ही दूत के जरिए सभी राज्य में समाचार भेज दूंगा। महाराज के बातों के अनुसार सभी राज्य में ये समाचार फैल गई है और गुप्तचर के जरिए ये समाचार परचुंडा के पास भी पहुंच गई। उसके बाद ओ स्वयंवर सभा। स्वयंवर सभा। हाँ महारानी, अगले पंचमी को है। नाग पंचमी के दिन? हाँ, नाग पंचमी के दिन स्वयंवर तो होगा, लेकिन मेरे पुत्र के साथ, दानव के साथ, मेरे इकलौते पुत्र के साथ। हाँ हाँ हाँ, मैं खुद जाऊंगी राजकुमारी को लाने। आखिर में आ गया वो दिन और राजकुमारी की स्वयंवर होने लगा। देश विदेश से राजकुमार आए, स्वयंवर सभा शुरू हो गया। सभी राजकुमार स्वयंवर सभा में थे। उसी वक्त प्रकट हुई सभा में प्रचुंडा। तभी उसी समय राजकुमारी, स्वयंवर तुम कितना भी ना कर लो, लेकिन विवाह तो मेरे बेटे के साथ ही होगा तुम्हारा। चलो चलो मेरे साथ चलो चलो। ये क्या आश्चर्य है, ये क्या आश्चर्य है। छोड़ दो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता राजकुमारी। अब मैं तुम्हारे साथ अपने इकलौते पुत्र का विवाह करवाऊंगी। क्यों मेरे साथ क्यों? मुझे छोड़ दो राजकुमारी। तुम्हारे साथ मैं अपने पुत्र का विवाह करवाऊंगी तो हमारा ये भूतिया रूप खत्म हो जाएगा। दानव को बुलाओ। कैसी आज्ञा महारानी? क्या माता श्री राजकुमारी को साथ में लेकर आई है? कहाँ कहाँ? चलो चलो चलो। आ बेटा आ आ, ये देख, शेतपुर की राजकन्या है। पूरे दुनिया में इसके जैसा सुंदर और कहीं नहीं है। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। माता श्री, कब हमारा शादी होगा इस राजकुमारी से, बताइए। छी, कितना भयंकर है ये। नहीं नहीं, किसी कीमत पे नहीं, मैं इस भयंकर दानव से विवाह नहीं करूँगी। मुझे छोड़ दीजिए, दया करके छोड़ दीजिए। अब कोई और रास्ता नहीं है बच्चा, कोई रास्ता नहीं। कहा लेके गई है मेरी पुत्री को महामंत्री? पहरी तुम लोग खोज लगाओ, मेरी बच्ची कहाँ है।
मेरी कन्या को वापस ला दीजिए महाराज, कैसे भी करके। परेशान मत होइए महाराज, हम लोगों को भेज रखे हैं राजकुमारी का पता लगाने के लिए। आप शांत हो जाइए महाराज, हम लोग राजकुमारी को वापस ले आएंगे। हाँ चिंता मत कीजिएगा महाराज, हम लोग राजकुमारी को वापस ले आएंगे। हाँ राजकुमार जाओ, जाके हमारी पुत्री को ले आओ, जाओ। कुछ दिनों बाद मैं अपने पुत्र से इस कन्या का विवाह करवा दूंगी, उसके बाद हमारे राक्षस नगरी में कोई भयंकर शक्ल लेके पैदा नहीं होगा। वो देखो राक्षस नगरी, वो देखो। अच्छा यहाँ पे छुपा के रखा है राजकुमारी को, अभी जाके महाराज को बोलते हैं। चंद्रचूर पर्वत पर राजकुमारी को छुपा के रखा है, जाओ उस राक्षसनी को मार के मेरी पुत्री को ले आओ। हाँ महाराज हम लोग जाएंगे। हाँ महाराज जाएंगे, पूरा शक्ति लगा कर हम लोग मदद करेंगे। हाँ धन्यवाद धन्यवाद राजकुमार, अब जाओ जाओ। उसके बाद तीनों राजकुमारों चंद्रचूर पर्वत की तरफ रवाना हो गए राजकुमारी को बचाने के लिए। प्रचुंडा के जंगल से राक्षस नगरी में। राजकन्या तुम जितना भी स्वयंवर रचा लो, तुम्हारा विवाह तो मेरे पुत्र से ही होगा। हाँ। असंभव, ये असंभव है। नहीं नहीं, इस राक्षसी को मारना आसान नहीं है। चलो चलो हम लोग चलते हैं, चलो चलो भागो भागो चलो, भागो चलो, भागो भागो भागो। नहीं नहीं, मैं इतना आसानी से हार नहीं मानूंगा, कैसे भी करके मैं राजकुमारी को छुड़ाऊंगा। हाँ हाँ, राज्य वापिस जाके कुछ सोचना होगा मुझे। क्या जरूरत है राजकुमार, एक राजकुमारी की वजह से अपना जान जोखिम में डालोगे। सुनो, कोई विपत में है, उसकी मदद ना करके वापिस जाना क्या ठीक है, बताओ। लेकिन राजकुमार जो इतना सेना नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे। राक्षस नगरी को खत्म करने के लिए हम लोग दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। आओ इधर आओ तुम लोग सब। राजकुमारी को बचाने के लिए सबने मिलकर एक उपाय निकाले हैं। उसके बाद महाराज अरे कितना सुंदर हिरण, आज पेट भर के खाऊंगा। अरे ये तो सोने का हिरण है। ये तो सोने का है, राजकुमारी के पास ले जाता हूँ। ये लीजिए राजकुमारी, ये लीजिए आपके लिए सोने का। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं, मुझे मुझे अपने पिता श्री के पास जाना है, मुझे छोड़ दीजिए। फिर से वही रोना धोना, रोज रोज ये रोना धोना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, मैं चलता हूँ। हाँ, 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 राजकुमारी राजकुमारी। हाँ कौन है आप यहाँ पे?
हाँ? मैं आपको छुड़ाने आया हूँ। अब परेशान मत होइए राजकुमारी, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन उन लोगों को पता चलेगा तो? आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ मेरा मदद कीजिए राजकुमारी। कैसी मदद? सुनिए तो फिर, जब दानव आपके पास आएगा तो आप कैसे भी करके उस दानव से पूछिएगा कि उन दोनों का जीवन कहाँ छिपा हुआ है, तभी हम उसे मार सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मैं यह भी छिपा हुआ हूँ, लेकिन राजकुमारी ये काम ध्यान से करना। देखिए दानव आ रहा है, मैं जा रहा हूँ राजकुमारी। राजकुमारी, नाग पंचमी के दिन हम दोनों का विवाह होगा। हाँ सच में, और कितना दिन है नाग पंचमी में? ये क्या हो गया? क्या हुआ? जल्द आ जाएगा, कुछ दिन बाद है। तुम खुश हो ना राजकुमारी? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। ये क्या हुआ? क्यों रो रही हो? लेकिन डर लगता है। डर किस बात किया? अगर दूसरे राक्षस तुम्हें मार के मुझे खा लिए तो? इसलिए तुम रो रही हो? हाँ, ओहो, तुम मत रो। मुझे और मेरी मातश्री को मारना इतना आसान नहीं है। क्यों? ऐसी कौन सी शक्ति है तुम लोगों में? मेरा और मेरी मातश्री का जीवन है संदूक में। सच में? क्या, कहाँ है वो दोनों संदूक? किसी को मत बताना राजकुमारी, महीपल नदी के नीचे पताल में एक सुंदर जलाशय है। विवाह तुम्हें मैं वहाँ ले जाऊंगा। हाँ ले जाऊंगा, उतने बड़े पाताल में दो संदूक कहाँ मिलेगा? नहीं, जाओगी तो देखिएगा, सुंदर सोने के संदूक में है, ढूंढना नहीं होगा। अच्छा। मैं अब चलता हूँ राजकुमारी। इतना मैं जा रहा हूँ राजकुमारी। जल्दी वापिस आना, मुझे डर लगता है। मैं अभी वापिस आऊँगा, जल्दी बहुत जल्दी आऊँगा। राजकुमारी, मुझे अब सैवल नदी में जाना होगा। मैं जा रहा हूँ। सावधान से जाइएगा। चिंता मत कीजिएगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसके बाद दानव की बातें सुनकर राजकुमार सैबल नदी में संदूक के खोज में रवाना हो गए। उसके बाद राजकुमार मुझे जल्द वहां जाना है, उस संदूक में से अभी। लग रहा है कोई गला दबा रखा है।
राक्षस नगरी खत्म हो गया होगा, लेकिन राजकुमारी वही है, मुझे जाना होगा उनको लाने। राजकुमारी, राजकुमारी आ जाइए जल्दी। उसके बाद राजकुमार राजकुमारी को लेकर राजमहल वापिस चले गए। राक्षस नगरी से बचाकर राजमहल में वापिस जाकर राजकुमारी राजकुमार से विवाह कर ली। लेकिन महाराज दानव और उसकी मातश्री को मारकर राजकुमारी बहुत बड़ा अपराध किए थे, तो एक अपराधी से राजकुमारी क्यों विवाह कर ली? और राजकुमारी दानव से सारी बातें पूछकर उन लोगों का जीवन कहाँ छुपा हुआ है, ये धोखे से राजकुमार को बताई। तो बोलिए महाराज, ये गलत है कि नहीं? बेताल राक्षसिनी पुचुंडा ने राजकुमारी को अगवा की थी अपने बेटे दानव से विवाह करने के लिए, और वो दोनों मायावी शक्तिशाली थे, इसीलिए उन दोनों को मारने के लिए राजकुमार राजकुमारी से कहे थे कि उनका जीवन शक्ति का पता लगाए। इसीलिए राजकुमारी छल से पूछी थी कि, और राजकुमार को बताई थी, राजकुमार राजकुमारी की जान बचाए थे, इसीलिए राजकुमारी राजकुमार से विवाह कर ली, इसीलिए राजकुमार सही है। महाराज आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, इसीलिए मैं फिर से बच्चों, आज मैं तुम लोगों को संदेश भेजने के लिए एक नया पाठ पढ़ाऊंगा। अंधा जी सर, मैं पाठ शुरू कर रहा हूँ और तुम? जी जी सर, मैं बूंदा को संदेश भेज रहा था सर। क्लास के बाहर जाके जितना संदेश देना है दे, क्लास से बाहर निकल। ठीक है सर, जा रहा हूँ। सर, संदेश भेजने के बारे में अच्छा पढ़ाए है। सच में बूंदा? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है बिरजू। क्या बता? संदेश भेजने के बारे में सर हमें जो समझाए हैं, चलो हम प्रयोग करते हैं। ठीक है बूंदा। तुम लोगों का सारा मैं तहस नहस कर दूंगा। बिरजू, हम तो टेलीफोन का तार तो बना लिए, बता कैसा बना है बिरजू? अच्छा बना है बूंदा। हमारा जवाब नहीं है बिरजू, अभी तारीफ मत कर, पहले देखे तो सही ये काम करता है कि नहीं। अच्छा बच्चों, मैं तो पाठ नहीं पढ़ पाया, और तुम लोग प्रयोग कर रहे हो, मैं नहीं करने दूंगा। तेरे इस प्रयोग को मैं तहस नहस कर दूंगा। मेरा बात सुन पा रहा है बिरजू? तू मुझे सुनाई दे रहा है बंदा। ये क्या अंदर, तू यहाँ क्या करने आया है? यहाँ जहाँ जाएगा बूंदा वहाँ वहाँ आएगा अंधा। क्या हंदा कर रहा है तू? हाँ, क्लास का बाहर तू खड़ा था, तुझे शर्म नहीं है? छोड़ छोड़ तार को, छोड़ तू, छोड़ छोड़। छोड़ूंगा छोड़ूंगा जरूर छोड़ूंगा। तेरा संदेश तो पूरे दुनिया में फैल गया बूंदा। क्या हुआ बिरजू, तू मुझे शीशा लाने के लिए क्यों बोला? हाँ
बुंदा शीशे से संदेश भेजने का प्रयोग भूल गए। अच्छा तू इसीलिए मुझे शीशा लाने के लिए बोला? हाँ हाँ तेरे में बहुत दिमाग है, लेकिन फिर से हम आकर महस कर दिया तो चिंता मत करो बुंदा, चारों तरफ से देख लिया हूँ, कहीं भी अंदर नहीं है। उफ, बच गए। तो फिर ये ले, मैं संदेश भेज रहा हूँ। ये रहा मेरा संदेश। ये क्या हुआ? ये क्या मेरा आँख चौंधिया गया? कौन शीशा चमका रहा है? शैतान, ये भुंदा मतलब तू मेरे आंखों पे रोशनी डाल रहा है? नहीं मैं नहीं, मैं आपको नहीं, मैं बिरजू को दिखा रहा था। तेरी वजह से मेरा ध्यान भटक गया। बिरजू, तेरे पिताजी मुझे मारेंगे। तू मुझसे शाम को गार्डन में मिलना। अभी मैं यहाँ से भागता हूँ। भागो यहाँ से, भागो 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 भागो। पता है बिरजू, लग रहा है ये किला लेकर हम लोगों को सुनसान जंगल के रास्ते से ही जाना होगा। सही कह रहे हो, लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं है बुंदा। मैं भी तेरा आइडिया फ्लॉप कर दूंगा, मैं देखता हूँ तू कैसे जाता है। माफ करना बुंदा, ये तो मैं ले लिया हूँ। ये देख बुंदा, ये मेरा भेजा हुआ संदेश। हाँ ये कौन मुझे मारा? मेरा सिर फट गया। ये क्या, झाड़ी के पीछे कौन है? सैतान लड़को, मुझे फिलहाल खींच कर मार रहे हो? मैं नहीं, हमदा मारा है। हमदा तुम मुझे मारा है? रुक, मैं तुझे मजा चखाता हूँ अभी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गया। हंदा तेरा खुद के बनाए गड्ढे में तू खुद ही गिर पड़ा, मजा आ गया। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था, कलकत्ता में यौंग बंगाल युवकों की भीड़ थी। उन युवकों की भीड़ में दो युवक थे, वे थे मिस्टर अनंत शर्मा और उनके मित्र रामाशंकर यादव। वे दोनों भूत प्रेतों के गवेषक थे। एक दिन रामाशंकर यादव एक समाचार लाए। भाग बुर्बक, इस बार भी जाकर देखेंगे तो वही चीज, बंदर और चमगादड़। भूत का नामो निशान नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारी सब बात तो मानता हूँ, लेकिन फिर एक बात कहूँगा, भूत देखने के लिए अनेक घरों में तो बिताए, इसको भी देखें। जब खबर लाए हो तो चलो ना। ठीक है, जब इस बार बोल रहे तो चलो। ओह, यही तुम्हारा भूताहा जमींदार का घर है, यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। आप लोगों के बारे में मैं जान सकता हूँ क्या? मैं अनंत शर्मा हूँ, भूत गवेषक, और वो मेरा सहकारी रामाशंकर यादव। इस घर में भूत देखने के लिए आए हैं आप? सही, यहाँ क्या भूत मिलेगा? बोल नहीं सकता, कोशिश करके देख सकते। आपका परिचय? निवरण दुबे, उसी घर में रहता हूँ, मैं इस घर का पहरेदार हूँ। आप किस दिन भूत नहीं देखे? नहीं। सुनिए बाबू लोग, इस घर की दो तल्ले पर दक्षिण पश्चिम कोने में एक घर है, जहाँ आप लोग रह सकते हैं। रहने का व्यवस्था कर सकता हूँ, नगद 50 रुपया लगेंगे। परीक्षा करके देख सकता है इस घर में भूत है कि नहीं। अगर राजी है तो बोलिए। हाँ राजी है। अच्छा तो आइए मेरे साथ।
अच्छा रुपया मेरे घर दे आएंगे। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। रात तो बहुत बीत गई, देखे हम लोग का नसीब में क्या होता है। अरे नीचे से किसी की नाचने की आवाज आ रही है ना? हाँ यही तो, चलो देखें। लगता है नित्य सभा इसी घर में है, चलो छिप कर देखते हैं। यह क्या खोल? अरे वो घर के भीतर कौन है? ठीक तो ये लोग तो डकैत के जैसे दिखते हैं। महेंद्र प्रताप, तुम हमको जेल भेजा कर क्या सोचा था? तुम अकेला ही राज संभालोगे? लो मैं वापस आ गया, और तुम इस बार हमारे हाथ से बचोगे नहीं। अब सोचो कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ। पहले तुम हमको मारोगे, उसके बाद राजा बाबू को मारोगे। ओ तो ये बात है। और इस बार तुम्हारा बारी है महेंद्र प्रताप। मुझे छोड़ दो, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँगा। दुश्मनों पे कभी भरोसा नहीं किया जाता है, तुम समझे महेंद्र प्रताप? महेंद्र प्रताप, अच्छा नाटक करके तुम सो गया। ये क्या, ये तो बहुत अचंभे की बात है। क्यों? ये तो 50 साल पुरानी बात है। आप कैसे जाने? क्यों, मैं तो उन्हें का लड़का हूँ ना, महेंद्र प्रताप। ये क्या, हम जो कल चीज देखे वो सत्य ही है क्या? ये है गोपाल फाड़। देखिए आज पूर्णिमा है, आकाश में कितना सुंदर पूर्ण चंद्रोदय हुआ है। इसके अलावा दो एक तारे चमक रहे हैं। अच्छा सेनापति, क्या आप बता सकते हैं आकाश में कितने तारे चमक रहे हैं इस समय? कैसे बोल सकता हूँ महाराज, मैं क्या ज्योतिषी हूँ? गोपाल क्या तुम बता सकते हो? जरूर बोल सकूँगा। गोपाल तो बताओ आकाश में कितने तारे हैं? सावधान, गलत होने पर कठिन दंड मिलेगा। ठीक है। सुनिए महाराज, बगीचे का इमली के पेड़ को देख पा रहे हैं? हाँ। उस इमली के पेड़ का जितना पत्ता है उन पत्तों के साथ 1001 जोड़कर जितना जोड़फल होगा वही आसमान के तारों की संख्या होगी। तुम्हारी बात सही है या गलत कैसे पता चलेगा? विश्वास ना हो तो आसमान के एक एक तारा गिनकर उस जोग फल से जोड़कर देखना मेरी बात सच है कि नहीं। तब तो हो गया। इतने बड़े विशाल वृक्ष इमली के पत्तों को गिनते गिनते तो युगो बीत जाएंगे। उतने समय में पेड़ और बड़ा हो जाएगा और नए नए पत्ते आएंगे, पुराने पत्ते तो गिर जाएंगे। उसी तरह आसमान के पुराने तारे गिर जाएंगे और नए तारे निकल आएंगे। चुप न हो गोपाल, तुमसे पूछना ही गलत हो गया है। जाने दो, गलती मान रहे हो ना? सचमुच गोपाल,
तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है। बस अब तो हमारे महाराज खुश होकर तुम्हें बहुत सारे पुरस्कार देंगे। नहीं नहीं, पुरस्कार अभी नहीं, कल मैं राज्यसभा में दूंगा। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ, संध्या होने वाली है। ठीक है, आओ। गबूचंद, क्या सोच रहे हो? कल फिर गोपाल पुरस्कार पाने वाला है। चिंता नहीं करनी होगी, कल बेटियों को ऐसी जाल में फंसाऊंगा ना कि देखना, पुरस्कार नहीं मिलेगा, उसके बदले में धक्का मार कर निकाला जाएगा। सुनो सुनो सुनो, महामहिम राजा कृष्णचंद्र जी पधार रहे हैं। महाराज कृष्णचंद्र जी जय हो, जय हो महाराज कृष्णचंद्र जी, महाराज कृष्णचंद्र जी जय हो, जय हो महाराज कृष्णचंद्र जी, 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 जय हो महाराज कृष्णचंद्र जी। बैठिए बैठिए, आसन ग्रहण करें। महाराज आप बोलते हैं गोपाल बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन मैं अभी एक ऐसा प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर गोपाल नहीं दे पाएगा। तो बताओ गोपाल, हमारे महाराज कृष्णचंद्र और देवराज इंद्र में क्या अंतर है? अरे यह तो बहुत ही समस्या की बात है। आज मैं सही उत्तर दिया तो देवराज इंद्र गुस्सा होंगे, अगर गलत उत्तर दूंगा तो महाराज गुस्सा होंगे। मैं क्या करूं, समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब? क्योंकि महाराज देवराज इंद्र को कोई नहीं देखा है, इसलिए उन्हें सब बड़े कहते हैं, लेकिन हकीकत में बड़े तो आप हैं। शेष बात यह है कि सृष्टिकर्ता आप दोनों को एक ही तराजू में तौले थे, आपका वजन ज्यादा था इसलिए आप नीचे आ गए, और देवराज इंद्र हल्के थे इसलिए वह ऊपर आसमान में चले गए, तभी हम लोग आपको बड़ा मानते हैं। तुम्हारे पास जो विलक्षण बुद्धि है उसकी तुलना नहीं। यह लो अपना पुरस्कार, रक्त प्रवाल की माला है। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय हो, जय महाराज कृष्णचंद्र की जय हो।